Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Capital and Revenue. Would you consider the following as revenue or capital charges? State your reasons in each case. Repairs and renewal of machinery. Machinery ki repair karai hai to repair ko normal kharcha samjha jata hai, क्योंकि ये मशीन को रनिंग कंडीशन में रखने किया जाता है, क्योंकि अगर आप उसकी साथ साथ रिपेयर नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो वो मशीनरी बंद हो जाएगी। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट इंकर्ड इन एक्वायरिंग अ पेटेंट। पेटेंट एक्वायर किया है, पेटेंट आपका इनटेंजिबल एसेट है, और कोई भी एसेट आप खरीदते हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट कंस्ट्रक्टिंग एन एक्स्ट्रा डोर इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा डोर लगा लिया, तो ये एक रूटीन मैटर है, नॉर्मल खर्चा है आपका, क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस के लिए दरवाज़ा बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, इससे एसेट की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होता, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन पे टू वर्कर्स इन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज। वर्कर को नौकरी से फारग कर दिया है, निकाल दिया है, और उसके बदले में उनको कुछ पैसे पे किए गए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसकी रीज़न एक तो ये है कि ये जो अमाउंट इनको पे की जाती है ये हैवी अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट होती है। दूसरी वजह यह है कि नौकरी से उन्हीं को निकालते हैं जो इनएफिशिएंट वर्कर हो, जो सही तरीके से काम ना कर रहे हो, तो जब उनको निकालेंगे तो इसका इफ़ेक्ट दूसरे वर्कर पे जाएगा, वो एफिशिएंटली काम करने लग जाएंगे, जिससे बिज़नेस की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो ऐसे अखराजात जिससे बिज़नेस की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग का न्यू प्रोडक्ट। नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है, उसके ऊपर ख़र्चा पे किया है। अब इसमें उसने कुछ नहीं लिखा कि ये हैवी एक्सपेंडिचर है या नॉर्मल है, तो इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, और आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। और होता ये है कि जब नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उस पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है, आपको हैवी एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, तो आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटल और रेवेन्यू। कास्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है, कई सालों तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अ हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर वाज मेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है, उस पर एडवर्टाइजिंग के हैवी खर्चा हुआ है, तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। चीज़ें बनाने पर जो लोग जो वर्कर्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे उनको वेजेस पे किए गए, तो गुड्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर उठने वाला खर्चा भी रेवेन्यू होगा। परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड। आपने लैंड जो है वो परचेज की है, एक्वायर की है। लैंड जो है आपका फिक्स एसेट है, कई सालों तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इससे जो पैसा आपको मिलेगा वो आपकी कैपिटल रिसीट, और अगर आपने जब डिबेंचर इशू किए हैं उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो ये आपका लॉस होता है, डिस्काउंट लॉस है, लेकिन ये लॉस हो रहा है आपको कैपिटल रिसीट पे, तो इसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कैपिटल लॉस।